आपके बारे में बोला है कैसे देखिए क्या क्या कहेंगे सर तो कोई मतलब नहीं अरे बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग ये सब मालूम नहीं हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं प्रियंका गांधी वहीं थी छोड़िए रखा जाएगा पंजाब से ये चलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और मुझे नहीं लगता है कि जिम्मेवार व्यक्ति एक राज्य के मुख्यमंत्री और विशेष रूप से कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाता है ये जिस प्रकार से जो टिप्पणी है हो सकता है बिहार के बारे में अगर कोई और टिप्पणी करे लेकिन अपनी टिप्पणी अपनी कमी के बारे में कर सकते हैं जिस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी यूपी की बेटी कहती है जी प्रियंका साथ में खड़ी थी हंस रही यूपी की बेटी खुद को कहती है देखिए मैं उससे ग्रेस करता हूँ जिस प्रकार का ये आचरण सोच है व्यवहार है दृश्य है और बिहार और उत्तर प्रदेश की शाह की बात है ये ग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा एक इस पर ले लीजिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम हो रहा है ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज जो बिहार विधानसभा में और मेरे लिए खास करके लिए बहुत 1990 में मैं इसी सदन का एक सदस्य था ये मेरा 30वां वर्ष राजनीति बन का है लेकिन मेरी पृष्ठभूमि और मैंने जो कुछ भी किया है उसमें बिहार विधान की भूमिका थी है और गुलाम साहब उस समय आज मैं लोक के मानिला जी के साया हूँ दृष्टि ओशन प्रोग्राम प्रागा और बिहार सभा के नाजी के मुख्य जी अत्यंत प्रभावशाली मौका है और खुशी हो रही है स्थानीय शुरुआत था 22 साल में आज मैं फिर कैंपस खड़ा हूँ और आपकी क्षमता संवर्धन के लिए सर विधायकों के लिए ओम बिरला पहुंचे सर क्या कहेंगे इस तरह बड़ा अच्छी बात है लोकसभा अध्यक्ष आए हैं उनको भी हम लोग सुनेंगे कैसे लोकसभा चलाते हैं क्या वो बताते हैं हम लोग कैसे सदन में चला रहे हैं उसकी बात होगी अच्छी बात है अगर कुछ सीखने को मिलता है विधायकों को इससे बिहार आगे बढ़ेगा सर एक सवाल है पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बिहारियों के लिए जो बात कही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बात कही बाहर रखने की कितना इससे आप मानते हैं सर देखिए उनका जो शब्द है पंजाबी भाषा है वो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि पंजाबी भाषा मुझे आता नहीं उसका मीनिंग क्या है बोलने का वो मैं समझ नहीं पाया मैं पढ़ा हूँ लेकिन अब लोग अलग अलग से इंटरप्रेट कर रहे हैं देखिए बिहारी इतने शक्तिशाली हैं उसके बिना तो कोई भी स्टेट का तरक्की नहीं हो सकता लेकिन उनके पंजाबी भाषा का मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस समझ नहीं पाया हूं क्या बोलना चाहते हो मगर बिहार के लोगों को बाहर रखने की अगर बात होती है तो सर क्या ये सही है नहीं नहीं बिहार को बाहर रखने का कोई सवाल ही नहीं बिना बिहारी के तो कोई कहा तो कोई स्टेट ही तरक्की नहीं कर सकता इसलिए वो पंजाबी भाषा मैं समझ नहीं पाया हूं क्या बोलना चाहते हो लेकिन बिहार के बिना पंजाब आगे नहीं बढ़ सकता